Assalamualaikum and welcome to another video. दोस्तों, मुझसे बहुत से दोस्तों ने ये बात बार बार मेरे Facebook और Instagram पेजेस पर और इसके अलावा वीडियोस के कमेंट में भी पूछी है कि हमारा नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आया है, हालांकि हमने अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करवा दी है। तो इन सब को मैं बताना चाहूँगा कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद जाकर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, यानी ड्यू डेट ख़त्म हो जाने के बाद जमा करवाते हैं, तो अब चाहे आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा भी दें, फिर भी आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपना ATL सरचार्ज चालान यानी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट सरचार्ज चालान जमा नहीं करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि आप अपना ATL सरचार्ज चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन कर लें, e.fbr.gov.pk। यहाँ पर जो आपको ई पेमेंट्स का टैब नज़र आ रहा है, इसके नीचे आपने इनकम टैक्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ आपने सबसे पहले वो टैक्स ईयर को सिलेक्ट करना है जिस साल के लिए आप अपना ATL सरचार्ज चालान बनाना चाहते हो। इसके बाद आपने वेरिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है और इसमें आपने CNIC को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना CNIC एंटर करना है। ये थोड़ा सा लोड होगा और आपका नाम वगैरह फेच करके ले आएगा। अब अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो जो नाम आपके बिजनेस का होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टैक्स पेमेंट नेचर में आपने मिसलिनियस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये पेज लोड होगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आएगा। अब टैक्स पेमेंट सेक्शन में आपने 182A सरचार्ज फॉर ATL को सिलेक्ट करना है। आपने अपना टैक्स ईयर लाजमी चेक कर लेना है। इसके बाद अमाउंट के सेक्शन में आपने सरचार्ज अमाउंट एंटर करनी है, जो कि सैलरी पर्सन के लिए 1000, एसोसिएट ऑफ पर्सन यानी AOP के लिए 10000 और कंपनी के लिए 20000 रुपये है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में भी सेम वही अमाउंट आएगी। यहाँ डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट दिए गए हैं जिनमें से आप अपने मर्जी का इंतखाब कर सकते हैं, मगर मोस्टली लोग यहाँ कैश को प्रेफर करते हैं, तो मैं अभी यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपने IRIS अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ हो, और साथ ही IRIS अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। इसके बाद आपने क्रिएट का बटन पर क्लिक करना है और ये फॉर्म फिर आपको एक बार वेरीफाई करने को बोलेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने कंफर्म का बटन दबा देना है। अगली स्क्रीन पर आपको आपके एरिया के पास मौजूद बैंक्स की डिटेल नज़र आएगी और इनमें से आपने किसी भी बैंक में जाकर अपना चालान जमा करवाना है। सिंपली आपने प्रिंट का बटन दबाकर इस चालान को डाउनलोड कर लेना है और फिर प्रिंट ले लेना है। तो दोस्तों, ये था तरीका जिससे आप अपना ATL सरचार्ज चालान बनाकर इसको बैंक में जमा करवाकर अपना नाम बहुत जल्द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ले आएंगे। तो आखिर में जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।